दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारतीय टीम ये वनडे सीरीज भी जीतेगी ये तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम की बेहतरीन गेंदबाजी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने नाम का दबदबा बनाए रखा है। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, लेकिन केन विलियमसन के इस फैसले को न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने पूरी तरह गलत साबित किया। अकेले केन विलियमसन ही एक बल्लेबाज रहे जिन्होंने 50 का आंकड़ा पार करा। उन्होंने 64 रन बनाए, लेकिन उनको किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला। इसी वजह से पूरी न्यूजीलैंड की पारी 157 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा 4 विकेट कुलदीप यादव ने लिए, उसके बाद मोहम्मद शमी ने 3, युजवेंद्र चहल ने 2 और केदार जाधव ने 1 विकेट लिया। उसके बाद भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत अच्छी रही। पहले विकेट के लिए भारतीय टीम ने 41 रनों की पार्टनरशिप की। उसके बाद भारतीय टीम की तरफ से कप्तान विराट कोहली और गब्बर शिखर धवन के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप हुई, जिसने भारतीय टीम की जीत लगभग तय कर दी थी। तभी अचानक विराट कोहली के विकेट गिरी। उन्होंने 45 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली, लेकिन विराट कोहली के आउट होते होते भारतीय टीम की जीत लगभग तय हो ही गई थी। आखिर में अंबाती रायडू और शिखर धवन ने मैच 8 विकेट से भारत के नाम कर दिया। शिखर धवन ने इस मैच में बेहतरीन 75 रन बनाए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का असली मैन ऑफ द मैच कौन है, शिखर धवन, कुलदीप यादव या मोहम्मद शमी? आप उस खिलाड़ी का नाम नीचे कमेंट द्वारा जरूर दीजिएगा।